Assalamu alaikum, my dear students. My name is Neha Faisal. I am your general knowledge teacher of grade 2. I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publisher. Well, students, today we will study chapter number 6. And the name of this chapter is Water. Before starting this chapter, I will discuss students' learning outcome. After completing this chapter, the student will be able to number 1. Recognize that living things need water to stay alive. Identify simple use of water in everyday life. Identify the natural resources of water around themselves. Recognize the importance of water resources. Narrate how water gets from natural resources to the tap in their homes. And the second point is, recognize that cleaning water should be used for drinking and cooking purpose. Understand that boiling and filtering, etc. are method of purifying water. And the last point is, recognize that some areas of Pakistan are facing shortage of water. So, pyare bachcho, pani Allah Taala ki bahut badi nemat hai. Is zameen par pani 71% paya jata hai. Aur hame chahiye ki hum pani ko zaya mat karein. पानी इंसानों, जानवरों, पौधों, दरख्तों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 60% ऑफ वाटर. इसीलिए सर्वाइव करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है. यूज़ ऑफ वाटर. पानी हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, हाथ धोने के लिए. नाउ आई विल शो यू सम पिक्चर्स. Number 1 is washing utensils. Second picture is taking a bath. Number 3 is washing clothes. Number 4 is washing vehicles. Number 5 is cooking. And the last picture is trees and plants. Natural sources of water. Water is important for life. There are many sources of water. But do you know what is the larger source of water? तो प्यारे बच्चों, rainfall. जब बारिश होती है, बारिश पानी का सबसे बड़ा जरिया है. वैसे तो हमें पानी मुख्तलिफ ज़राओं से भी मिल जाता है, लेकिन बारिश से सबसे ज़्यादा पानी हासिल किया जा सकता है. प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी पहाड़ों पर बर्फ़ देखी है? तो जी हाँ, वो भी एक पानी हासिल करने का ज़रिया है. जब ग्लेशियर पिघलता है तो वो नदियों और दरियाओं में आ जाता है और पानी बन जाता है. नाउ आई विल शो यू सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर. नंबर 1 इज़ रेन. एंड रेन इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर. Number 2 is river. Number 3 is sea. Number 4 is waterfall. Number 5 is glacier. And number 6 is underground drainage. इन तमाम जरियों से हमें पानी हासिल होता है. लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोग सोचेंगे कि अब ये पानी हमारे घरों तक कैसे आता है? Water reaches in our home in two different ways. दो तरीकों से पानी हमारे घरों तक आता है. पहला तरीका है, वी गेट अंडरग्राउंड वाटर थ्रू पंप्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. मेथड ऑफ क्लीनिंग वाटर. प्यारे बच्चों, हमें हमेशा साफ सुथरा पानी पीना चाहिए. गंदा पानी पीने से हम बीमार हो जाते हैं. इसीलिए पानी को साफ करने के दो तरीके हैं. नंबर 1 इज बॉइलिंग एंड नंबर 2 इज फिल्ट्रेशन. Filtration remove the dust particles and germs from water. Boiling help in killing the germs present in water. पानी को उबालने से और फिल्टर करने से बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं. इसीलिए हमें चाहिए कि पानी पीते वक्त या तो पानी को उबाल लें या फिल्टर की मदद से साफ कर लें, क्योंकि अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो हम बहुत जल्द बीमार हो जाएंगे. Shortage of water. पाकिस्तान में आज भी बहुत से लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान में पानी ज़ाया करते हैं. हमें चाहिए कि हम पानी बचा के रखें ताकि हम और हमारी आने वाली आइंदा नस्लें पानी से महरूम ना हो सकें. थरपारकर, दादू, चाही आर सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ वाटर. यहाँ पर लोगों को पानी की किल्लत का बहुत सामना करना पड़ता है और इनकी औरतें दूर दराज से पानी लेके आती हैं, लेकिन यहाँ लोगों को पीने का साफ पानी भी मुहैया नहीं है. लोग उसी दरियाओं और जगहों से पानी पीते हैं जहाँ से जानवर पीते हैं, इसीलिए वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं. और इन शहरों और जगहों में अस्पताल भी नहीं है और वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं.
Now I will do some exercise on page number 38. Answer the following question. And the first question is water important for all living things to survive? तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएं, क्या पानी के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं? तो जी नहीं, हम पानी के बगैर जिंदा बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि पानी हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है. What might happen if we do not get enough water? तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने आज से पहले ऐसी जगह देखी है जहां पर लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है? जिन लोगों तक पानी फराहम नहीं होता वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, और जो लोग गंदा पानी पीते हैं वो भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, और इससे इनकी सेहत बहुत मुतासर होती है. What are the main sources of water? Number one is rain, waterfall, glacier, sea, etc. How does water reach from their sources to our taps in our homes? तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी के दो तरीके हैं. पहला ये कि हमें पानी हैंड पंप, वेल से हासिल किया जाता है, जबकि दूसरा तरीका ये है कि समंदरों, बारिश और दरियाओं का पानी क्लीनिंग प्लांट से होता हुआ हमारे नलकों तक आता है. Now, my dear students, tell me some activities in which you and your family use water. Number one, washing your hands, washing utensils, cleaning and cooking, etc. Fill in the blanks with words from prayer books. Number one is clean water should be used for dash and dash purpose, drinking and cooking. Number two is some areas unfortunately suffer from dash of water. And the correct answer is shortage. Number third is boiling and filtering are method of dash water. प्यारे बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को पानी को साफ करने के तरीके बताए, जिनमें से पहला बॉइलिंग एंड फिल्ट्रेशन. एंड द करेक्ट आंसर इज प्योरिफाइंग वाटर. वी हैव अ वाटर डैश प्लांट नियर टू आवर हाउस, फिल्ट्रेशन. एंड द लास्ट वन इज क्लीन वाटर इज सप्लाइड टू सिटीज, टाउन, विलेजेस थ्रू डैश. एंड द करेक्ट वर्ड इज पाइप्स. Well, students, that is all I have for today. I hope you understand this lecture. Stay tuned until next time. Allah Hafiz.